तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महात्मा के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ भौम्य के पास गई और उसने भौम्य से कहा कि हे भूपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, पिता करके ठीक नहीं करें। भौम्य जी बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी हिमूतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपने विश्राम किया और वहीं किनारे लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से नाकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो गई थी। उसका पुत्र मर चुका था। वो आरोपी हुई कहती थी कि हाय हाय, खुद बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुन करके राजा जीवन बांध का मानो हृदय जीर्ण हो गया और प्रसाद स्त्री के पास गया और उसने पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। वह बूढ़ी ने कहा कि गरुण पति बिना करके गाँव के बच्चों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कह करके राजा जनकवाहन उस स्थान पर चले गए जहाँ पर गरुण आकर के प्रतिदिन मांस खाया करता था और उसी समय गरुण भी उसका टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अद्वैत यशवी गरुण ने राजा का बायां अंग उठा लिया, वो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फिर करके गरुण के सामने कहा या सामने कर दिया। यह देख कर गरुण जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पाते। अच्छा, अपना जन्म और सुख बताओ। बिना से जानकर मन वाले राजा ने कहा कि भक्तिराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा कर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर के गरुण रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और सुख की बात पूछने लगे। और मुझे ऐसा उपाय करे जिससे कि वहाँ जो बहुत सुनों तक जीवित हो। और मैंने कहा कि पक्षी आज गरुण को बढ़ाने के लिए नाम रोक निकले। वहाँ से हमने जाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बताया। ऐसा करने से राजा की दयालुता दे करके गरुण ने कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से रहित सूद और शिनी की थी। आज ही तुमने यहाँ की दान किया, हे वत्स, अब से यह दीन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो, जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है और वही तीनों लोकों से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहता है। इसलिए जो स्त्री स्थिति को जीवित पुत्रिका का व्रत रखेगी, उसकी आकृति की पूजा करेगी, दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। हे राज, सप्तमी से रही उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी शुद्ध अष्टमी में व्रत करे और नवमी में व्रत का पारण करे। यदि इस पर ध्यान रख दिया गया, कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, इसलिए हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि विधान से यह व्रत करो, दुर्गा जी का पूजन करो और तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त होगा। मुनिराज सौम्य सुन करके हृदय में भूख लग गई और उस समय सौ से भरे हुए स्थान में जा पहुंचे। इच्छा भर भोजन किया और संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही लड़के हुआ छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से छोटी श्री महाराज काशीराज के और छोटी उसके अंकुश के साथ चार के साथ
पढ़ने लिखने की आज रानी हुई। ये स्थिति भी संतान को जन्म देती थी तो मर जाती थी और दो जन्म की बातों को असर करने वाली मंत्री की देवी अर्थों के सुंदर तेजस्वी आठ बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी पति बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्या बदराज पत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि अरे तुम तुझे जीवित रखना चाहती हो तो उस मंत्री के पुत्रों को भी मार डालो, नहीं तो मैं मर जाऊँ। यह सुनकर के राजा ने मंत्री के पुत्रों को मरवाने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए पर मंत्री पत्नी जीवित पिता के कुंडबल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से कहा कि उन पुत्रों का सिर कटवा कर भिखारी में रखवाया। वह भिखारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया किंतु वे आठों सिर में इनकी बहरात हो गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। वह मंत्री की पत्नी के साथ आई और उसने पूछा कि हे बहू तुमने कौन सा ऐसा पुण्य फल किया है जिससे कि बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं और मेरे मर जाते हैं। उन्होंने व्रत के नियमों चिन्हरी ने कहा कि हम बच्चों को व्रत किया था, तुमने व्रतों का नियम भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था इसलिए तो वही तुम्हारे पुत्र नहीं करते हैं और मेरे बेटे हैं। वो राजा ने अभी तो पिता प्रबंध करो, हमारे बेटे मित्र भाई होंगे तो तुमसे सत्य सत्य कह रही हूँ। इसके कथनानुसार रानी ने युद्ध किया और सभी प्रकार के कई सुंदर बेटे उत्पन्न किए। राजा हुए सुखदेव महाराज कहते हैं सब प्रकार का आनंद देने वाले यह दिव्य व्रत बतलाया कि स्त्रिया जो देवी संतान चाहती है वो विधि पूर्वक इस व्रत को अवश्य करे।